हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके पहले जो रचनाकार के उपनाम हैं, उनकी उपाधियाँ हैं, उसको हम कुछ के पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा दूसरा भाग है उसको लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसमें जितने भी उपनाम हैं ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ना। और इसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जो पूछे गए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को देंगे। अब हम देखते हैं रचनाकार कौन से रचनाकार हैं और उनकी उनके क्या उपनाम और क्या उपाधियाँ थी, ध्यान से पढ़ना। पहले कौन है? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिसको पूरा कहा जाता है, पूरा नाम जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जो ये प्रेमघन है ये क्या है? इनकी उपाधि है, ये उपनाम है। इनकी उपाधि क्या? प्रेमघन। और ये अब्र, ये अब्र नाम से रचनाएं किया करते थे। अब्र नाम, और देख रहे अब्र में भी बा है और बद्री नारायण में भी बा है, तो इससे आप लोग जान लेना अब्र लास्ट में है, बद्री स्टार्टिंग में है। तो अब्र उपनाम पूछे किसका है, तो बद्री नारायण चौधरी का है। बद्री नारायण चौधरी किस काल के कवि हैं? तो ये किस युग के हैं? ये भारतेंदु युग के। किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कवि ऐसे होते हैं जो छिटपुट होते हैं, उनका इतना योगदान नहीं होता है, लेकिन बद्री नारायण चौधरी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है भारतीय युग में। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, और इनका जो एक है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो समस्या पूर्ति है वो भारतीय हिंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता है। समस्या पूर्ति अगर पूछे कि किस युग के विशेषता है, तो भारतीय युग की है समस्या पूर्ति। तो इनकी एक समस्या पूर्ति है, चर्चा चलिबो की चलाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबो की चलाइए ना, लास्ट लाइन है। समस्या पूर्ति में क्या होता था कि एक लास्ट की लाइन दे दी जाती थी और कवियों को कहा जाता था कि इसके आगे वाली लाइन को लिखकर इसकी पूर्ति करो, तो वही क्या था, समस्या पूर्ति था। क्या है? चर्चा चलिबो की चलाइए ना, चर्चा चलिबो की चलाइए ना, ये बहुत पूछा गया है। तो ये बार बार मुझे कंफ्यूज करता था कि किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है कि प्रेमघन का है या राधा कृष्ण गोस्वामी का है। तो हमने प्रेम से ही इसको क्या किया था, लिंक कर लिया था। जिससे प्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, चर्चा चलिबो की चलाइए ना, मतलब चर्चा मत करिए, जाने की चर्चा ही मत करिए। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए क्या सोचते हैं, चर्चा चलिबो की चलाइए ना, इस तरह से लिंक करके हमने याद कर लिया था। इसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग का नामकरण अगर पूछे किसके नाम पर हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं कहना है, क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है ऑप्शन में, लेकिन महावीर, जो महावीर है उसी के नाम पे तो नामकरण होगा ना, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नाम पड़ा। और इनकी उपाधि क्या है, सुकवि किंकर। उपाधि क्या है? सुकवि किंकर भुजंग भूषण भट्टाचार्य। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सरस्वती पत्रिका के महान संपादक थे। सरस्वती जो पत्रिका थी द्विवेदी युग की, उसके क्या थे, संपादक थे। और कब से कब तक ये पूछा जाता है कि इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया, तो कब से 1903 से 1920 तक इन्होंने इसका संपादन भार संभाला। और ये भी आप लोग देख लीजिए, 1920 के बाद कौन थे, एक थे देवी दत्त शुक्ल। देवी दत्त शुक्ल,
ये 1920 के बाद सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभालते हैं। लेकिन 1903 के पहले कौन था ये भी देख लीजिए, 1900 से 1903 तक कौन थे, श्याम सुंदर दास। और इसकी स्थापना अगर पूछे कि शुरुआत किसने की, स्थापना किसने करी, सरस्वती पत्रिका की शुरुआत किसने करी कही, तो एक थे चिंतामणि घोष। इन्होंने ही इस पत्रिका की क्या की, शुरुआत की। अब देखिए भुजंग भूषण भट्टाचार्य जो है, इन्होंने कब इस नाम का प्रयोग किया, इनका एक लेख है उर्मिला विषयक उदासीनता, इनका एक लेख था उर्मिला विषयक उदासीनता, इसी लेख को इन्होंने सरस्वती में छापा और उस समय अपना नाम क्या दिया, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ऐसा ये लोग क्यों करते थे, ऐसा इसलिए करते थे कि जब उस समय जो समय था 1900-1903 ये सब आप लोग को पता होना चाहिए कि उस समय देश जो है आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और कोई भी रचनाएं रची जाती थी तो ये लोग अज्ञात नाम से या फिर नाम बदलकर अपना नाम उसमें लिखते थे ताकि पकड़े ना जाएं। इसलिए इन्होंने अपना क्या नाम रखा था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से उर्मिला विषयक उदासीनता लेख को छपवाया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं भाषा को बहुत ही महत्व दिए, द्विवेदी युग में अगर भाषा को विकसित करने की बात आए कि भाषा को सुदृढ़ किसने किया, तो किसने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो निराला थे उन्होंने जूही की कली को जब छपने के लिए दिया तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया उसको वापस कर दिया कि ये छपने योग्य नहीं है, फिर उन्होंने दूसरी जगह उसको छपवाया। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा को सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर है हरिप्रसाद द्विवेदी, ये मूल नाम किसका है, वियोगी हरि का। ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना, हरिप्रसाद वियोगी हरि, आप लोग देख रहे हैं यहाँ हरि है तो इनका नाम क्या है, हरिप्रसाद। कभी कभी हरिहर प्रसाद या हरि द्विवेदी ऐसे करके ऑप्शन में दे देता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये हरिप्रसाद द्विवेदी है, इसका वियोगी हरि का मूल नाम। इसके बाद है द्विवेदी युग के ही महान कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनकी शायद जिनकी तारीफ के लिए कोई शब्द ही नहीं है, जिन्होंने बहुत ही मार्मिक रचना की, साकेत नामक महाकाव्य की इन्होंने रचना की। इनका नाम क्या था, उपनाम रसकेंद्र, राष्ट्रकवि, और इनको दद्दा भी कहा जाता है। इनको और क्या कहा जाता है, दद्दा भी कहा जाता है। आप लोग देखिए ये राष्ट्रकवि इनको उपाधि कब मिली और किसने दी ये पूछा जाता है। राष्ट्रकवि की उपाधि इनको भारत भारती जो रचना है इनकी 1912 में लिखी गई, भारत भारती 1912 में लिखी गई, इसमें क्या है ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना है। उसमें बताया गया है कि भारत के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको किस तरह से भारत के विकास में योगदान देना चाहिए, जिसके वजह से इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इनको क्या कहा था, राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। और जो दिनकर हैं वही इनके सामने कहते हैं कि महज डिप्टी राष्ट्रकवि, खुद को क्या कहते हैं, डिप्टी राष्ट्रकवि खुद को मानते हैं, और इनको दद्दा भी कहा जाता है। याद रखना दद्दा और दादा, दादा पूछे तो किसको कहा जाता है, तो ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी। दादा पूछे तो माखनलाल चतुर्वेदी, और दद्दा पूछे तो मैथिली शरण गुप्त। मैंने ट्रिक कर लिया था कि दादा दादा जो है उसमें क्या है, आ की मात्रा है
और मैथिली में यहाँ कोई या की मात्रा नहीं दिख रही है, तो दादा किसको कहा जाएगा? माखनलाल को। और दद्दा किसको कहा जाएगा? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रमुख एक रचना है क्या है? साकेत। इसमें किसका वर्णन है? तो ये राम का वर्णन है। और साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। अयोध्या ध्यान देना आप लोग, कैसे लिखा जाता है? अयोध्या बोला जरूर जाता है, लेकिन आप आ जो है छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। आप लोग वर्तनी भी देखते जाइए। और अयोध्या इसका अर्थ क्या है? अयोध्या और साकेत में राम का वर्णन है। और इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। और आधुनिक युग का सूर अगर पूछे, आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हरिऔध को। किसे कहा जाता है? हरिऔध को। क्यों कहा जाता है सूरदास? आप लोगों को पता होगा कि सूरदास किसका वर्णन करते हैं? सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रय काव्य के ये लेखक कवि हैं सूरदास। और सूरदास उसे ही कहा जाएगा जो कृष्ण के बारे में लिखा हो। तो हरिऔध ने प्रिय प्रवास जैसी रचना लिखकर अपना योगदान दिया, और उसी की वजह से इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है। तुलसीदास इसलिए कहा गया क्योंकि रामचरितमानस के बाद कहा जाए कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य कौन है, तो साकेत है। इसलिए इनको आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। और भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे यशोधरा है, यशोधरा और जयद्रथ वध, रंग में भंग, ये सारी बहुत रचनाएं हैं, आप लोग उसको याद कर लेना। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ये पूछा गया है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, इनका क्या है? सनेही और त्रिशूल। ये पूछा जाता है कि सनेही में वो किस भाषा में रचनाएं रचते थे? सनेही उपनाम से कौन सी भाषा? ये है ब्रज। सनेही ब्रज और त्रिशूल उपनाम से खड़ी बोली में रचनाएं रचते थे। इसमें खड़ी बोली में रचनाएं किया करते थे। सनेही पूछे तो ब्रज, त्रिशूल पूछे तो खड़ी बोली। इसको याद कैसे रखेंगे? त्रिशूल क्या रहता है? हम लोग देखते हैं ना कि शंकर भगवान के पास हो या फिर चाहे दुर्गा जी के पास, तो त्रिशूल ऐसे खड़ा रहता है ना, तो वहीं से हम लिंक कर लेंगे कि त्रिशूल जो है वो खड़ा रहता है। तो त्रिशूल उपनाम से इनकी खड़ी बोली में रचनाएं हैं। बाकी एक बचता है सनेही, तो सनेही ब्रज। माखनलाल चतुर्वेदी जो कि एक इनको भी राष्ट्रीय कवि कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माखनलाल चतुर्वेदी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। इनको क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा, और दादा नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस नाम से लिखते थे? कलाधर उपनाम है। और इनको झारखंडी भी कहा गया। झारखंडी इसलिए क्योंकि वहां के जो एक देवता थे झारखंडी बाबा, उन्हीं के आशीर्वाद से ये पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? झारखंडी। कलाधर उपनाम से ये रचनाएं करते थे और झारखंडी भी इनका उपनाम था। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, जिसका उपनाम निराला भी है, तो हमने यहाँ सिर्फ निराला ही लिख दिया है, लेकिन ये क्या है? ये एक उपनाम है। महाप्राण हम आगे लगाते हैं, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके आगे भी उपनाम है और पीछे भी उपनाम है। अगर एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा कवि है जिसके पहले भी उपनाम है और बाद में भी उपनाम है, तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है श्रीमान गरगज सिंह वर्मा। श्रीमान गरगज सिंह वर्मा, आप लोगों को पता होगा कि ये छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने समाज में जो उस समय व्याप्त थी बुराइयां, या फिर चाहे वो हो कि इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा तोड़ती पत्थर, चाहे भिक्षुक की बात हो, तो
इन सब रचनाओं को रचने वाले कौन थे, इन सब पंक्तियों को गाने वाले कौन थे, निराला ही थे। तो ये लोग अपना छद्मनाम बदलकर अलग अलग नाम से लेख लिखा करते थे, कविताएं किया करते थे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इनका नाम, इन्हीं का नाम था श्रीमान गर्गद सिंह वर्मा, और इन्हें साहित्य शार्दूल भी कहा जाता है। इन्हें और क्या कहा जाता है, साहित्य शार्दूल हमने देख लिया। और जो जो कवि थे जिनके जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सिर्फ नाम ही नहीं बताया, किस वजह से ये नाम उनको उपनाम मिला या फिर क्या उपाधियाँ मिली, वो सब मैंने आप लोगों को समझा दिया। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर मैं सरल तरीके से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप लोग उसको समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा करें। धन्यवाद।